हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आई एम सुपर हैप्पी टुडे. आज हमारे को कनाडा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप से ईमेल आ गई है फाइनली कि उनको हमारी सिटीजनशिप के फाइल मिल गई है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं और सब कुछ ठीक है. हमारा वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है अब, जो है 27 मंथ्स. पहले क्या होता था कि 8-9 महीने में सिटीजनशिप आ जाती थी. आजकल कोविड का बैकलॉग इतना ज़्यादा है यार कि 27 महीने की वेटिंग है. और हमने तो 1 साल लेट अप्लाई करी है वैसे भी. तो जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि कनाडा में एज अ पीयर आप जब 3 साल रह जाते हो तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. हमने 4 साल पूरे होने के बाद अप्लाई करी है और अब 2 साल की वेटिंग है. लेकिन शुरू हो गई है वेटिंग अब हमारी ऑफिशियली. और उनके ईमेल में लिखा हुआ है कि अब आप हमारे अगले ईमेल का वेट करो जिसमें हम आपको नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाएंगे. तो कनाडा सिटीजनशिप के लिए इससे पहले कि आप ओथ लेने जाओ, आपको सिटीजनशिप ग्रांट हो, आपको एक नॉलेज टेस्ट भी देना होता है जिसमें वो लोग कनाडा के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, लेकिन वो क्लियर करना ज़रूरी है. ओके, आप फेल नहीं हो सकते उस टेस्ट में. सिटीजनशिप की बात है और लोग सच्चे, मैंने देखा है लोगों को यार, लोग पढ़कर जाते हैं, पूरी पक्की तैयारी करके जाते हैं. तो हम लोग भी करेंगे जब टाइम आएगा. अभी तो 2 साल पड़े हैं. कल हमारा रिसाइकिल का और ऑर्गेनिक्स का डे है तो सारे पड़ोसियों के बिन्स बाहर पड़े हुए हैं. तो आपको अपने बिन्स दिखाती हूँ, बताती हूँ कि अभी सिस्टम क्या होता है. तो यहाँ पे 3 बिन्स मिलते हैं कनाडा में. एक होता है रिसाइकिल का बिन, मतलब उसमें आप सारा वो सामान डालोगे जो कि रिसाइकिल हो सकता है, कूड़े में नहीं जाना चाहिए. जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होगी, कार्टन्स हो गए, बॉक्सेस हो गए, तो पैकिंग स्टफ़ हो गए, कांच की बॉटल्स वोटल्स हो गई, हर वो चीज़ जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, लैंडफिल में नहीं जाना चाहिए, तो वो रिसाइकिल के बॉक्स में जाता है. एक होता है गार्बेज का बॉक्स, तो जिसमें सारा गार्बेज जाएगा जो लैंडफिल में जाएगा. और एक होता है ऑर्गेनिक्स. ऑर्गेनिक्स होता है खाने पीने का जितना भी सामान होता है ना, और खाने पीने का वेस्ट जो होता है, जो किचन से मोस्टली वेस्ट निकलता है, उसके लिए ऑर्गेनिक बिन बना हुआ है. उससे ये लोग अपनी खाद वाद बनाते हैं खेतों में डालने के लिए, फील्ड्स में डालने के लिए. तो भाई अच्छी बात है, किचन का सारा वेस्ट, मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो उसमें जाती हैं. तो ना हर सिटी का अपना अलग रूल है. जैसे हम लोग पील रीजन में रहते हैं अभी, तो पील रीजन तो लकीली ना बहुत ही बड़े बड़े बॉक्सेस देता है. मैं आपको दिखाती हूँ, गार्बेज का भी बड़ा बॉक्स है, ऑर्गेनिक्स का भी बड़ा बॉक्स है और रिसाइकिल का भी बहुत बड़ा बॉक्स है. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ना ऑल्टरनेट वीक जाता है गार्बेज और रिसाइकिल. जैसे हमारा डे है ट्यूसडे, तो एक ट्यूसडे जाएगा ऑर्गेनिक, तो हर हफ्ते ही जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक तो उनके काम का ही है ना, उससे तो खाद बनेगी. और एक हफ्ते ऑर्गेनिक्स के साथ जाएगा रिसाइकिल बिन और अगले हफ्ते ऑर्गेनिक्स के साथ जाएगा गार्बेज. तो मतलब 2 हफ्ते में एक बार गार्बेज जाएगा और 2 हफ्ते में एक बार रिसाइकिल जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे बिन्स बहुत ही बड़े बड़े हैं. और जो जब समर्स आती है ना, तो समर्स में आप वो जो आपका गार्डन वेस्ट होता है, घास वास काटते हो, या जैसे हमने पिछली बार सारा वेजिटेबल पैच वगैरह साफ किया था, वो सारी चीज़ें उनके अलग से ब्राउन पेपर बैग्स आते हैं बड़े बड़े. तो वो सारी घास जो आपने कट करी या फिर आपका जो ये प्लांट्स वगैरह का वेस्ट होता है, वो सारा आप उस बैग में डालकर वो तो आप हर बार ही ना भेज सकते हो गार्डन वेस्ट की तरह. और एक्स्ट्रा कूड़ा अलाउड नहीं होता आप भेजना. अगर एक्स्ट्रा भेजना है तो आपको सिटी से ना पैसे देकर कुछ टैग्स खरीदने होते हैं. तो आपको अपना अलग से बैग बनाना होता है, जैसे रिसाइकिल का ब्लू बैग बनाना होता है, गार्बेज का आपको ब्लैक बैग बनाना होता है, और उसके ऊपर आपको वो टैग लगाना होता है और साथ में रखना होता है. तो जब वो ट्रक आता है ना, गार्बेज ट्रक आता है या रिसाइकल ट्रक आता है सामान उठाने के लिए, तो उनको पता चलता है कि आपने खरीदा हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया हुआ है ये एक्स्ट्रा गार्बेज थ्रो करने के लिए. तो आपको बिन्स दिखाऊं, तो देखो अच्छे साइज के बिन्स हैं. तो ये हमारा गार्बेज का बिन है, ये हमारा रिसाइकल का बिन है, और ये हमारा ऑर्गेनिक्स का बिन है जो कि ना बंद रहता है, लॉक्ड रहता है, क्योंकि इसमें सारा किचन का वेस्ट होता है ना, तो रकून वकून स्मेल करके आ सकते हैं. अगर आप इसको अच्छे से लॉक नहीं करोगे ना, तो इसको खोल के इसके अंदर में घुस जाएंगे और सारा कूड़ा कूड़ा मचा देंगे. तो ये हमेशा लॉक्ड रहता है. तो ऐसा कुछ सिटीज होती हैं जो हर हफ्ते रिसाइकिल ले लेती हैं और गार्बेज ऑल्टरनेट वीक लेती हैं, और ऑर्गेनिक्स तो सारे ही हर हफ्ते ले लेते हैं. बट मुझे पील रीजन इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने ना बिन बड़े 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 दे रखे हैं, मतलब बहुत सारा आ जाता है इसमें. मुझे पता है वॉन में हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, तो वो बता रहे थे वो ना पील से वॉन में शिफ्ट हुए थे, तो कहते हैं और पील में तो हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉक्सेस थे और वॉन में तो ऐसे निक्के निक्के बॉक्सेस पकड़ा रखे हैं. तो और ऑकविल में ही बड़े छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं. तो भाई जिस सिटी में घर ले रहे हो ना, अगर आपके घर से कूड़ा बहुत निकलता है रिसाइकिल का या फिर गार्बेज का, तो चेक कर लो उनके बिन्स कितने बड़े बड़े होते हैं. और अगर बिन्स छोटे होते हैं तो हर हफ्ते जाता है गार्बेज या फिर ऑल्टरनेट वीक जाता है, जैसे कि पील रीजन में ऑल्टरनेट वीक जाता है. और गाइस आपको ये भी हमने एंट्रेंस कभी नहीं दिखाई, ये हमारी बेसमेंट की साइड एंट्रेंस है, ये देखो. तो यहां से भी हम लोग बेसमेंट में एंट्री कर सकते हैं. अब जब कुछ दिन के मेहमान रह गए तो घर का एक कोना कोना दिखा रहे हैं आपको. तो ये भी एक बेसमेंट की एंट्रेंस हो गई. और ये वो सारा सामान जो हमने ये ब्राउन पेपर बैग्स की बात करी थी ना, तो ये वेजिटेबल पैच से हमने जो भी सामान उससे निकाला था वो हमने इसमें फिल किया हुआ.
तो कल ऑर्गेनिक फॉर रिसाइकिल के साथ ये भी जाएगा। और गाइस आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं, तो ये जो ऑर्गेनिक बिन है ना, इसको हमेशा आपके रिसाइकिल बिन से नेक्स्ट रखते हैं, इसको कभी भी गार्बेज के साथ नहीं रख सकते। अगर आप वैसे रखोगे ना, कभी गार्बेज आप बाहर रख रहे हो, साथ में ये आपने ऑर्गेनिक वाला रखा और इसको बिल्कुल साथ साथ मिला के रख दिया, तो कई बार वो उठा के भी नहीं जाते और फाइन भी लगा सकते हैं। तो इसके बीच में हमेशा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी आगे यूज़ होनी है, ये खाद बनी है, तो इसलिए उसको गार्बेज वाले बॉक्स के साथ नहीं रखेंगे हम। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको याद ही रहता ना कि हमारा डे कौन सा है, या कई बार हम भूल जाते हैं कि भाई किस दिन हमारा कूड़ा जाना है या किस दिन क्या है, तो इनका ना एक टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर अपना फ़ोन नंबर डालकर ना आप अलर्ट्स भी ले सकते हो। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर कराया हुआ है, तो जिस दिन भी मेरा अगले दिन गार्बेज का डे होता है ना, तो मुझे मैसेज आता है कि कल आपका गार्बेज का और ऑर्गेनिक्स का डे है, या कल आपका रिसाइकिल का और ऑर्गेनिक्स का डे है, तो रिमाइंडर आ जाता है एक शाम पहले कि मतलब अभी आप जाकर बाहर रख दो। तो आप ऐसे अलर्ट सर्विस के साथ सब्सक्राइब हो सकते हो अपनी सिटी के साथ, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे आपका डे कौन सा है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार पिछली बार रिसाइकिल था कि इस बार ऑर्गेनिक्स था कि क्या था, तो उसके अलर्ट्स ले सकते हो आप। एंड गाइस आपको रिसाइकिल, गार्बेज एंड जो कंपोस्ट होता है, जो आपका ऑर्गेनिक होता है, इसको हमेशा अच्छे से सेग्रीगेट करना ही चाहिए। कई बार आप इसमें भी अगर लापरवाही करोगे ना, तो इस पर भी आपको सिटी फाइन लगा सकती है। चलो गाइस चलते हैं वॉक पे। एमी और मामा पार्क में गए हुए हैं, तो आपको एमी का पार्क भी दिखाता हूँ। वो एक और चीज़ है जिसको हम मिस करने वाले हैं, इसलिए नहीं कि विडबी में पार्क नहीं मिलेंगे, इसलिए मिस करेंगे क्योंकि एमी को वो वाले फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। तो एक बार देखते हैं एमी अभी क्या कर रही है, और फिर उसके बाद फिर हम अपना वॉक पे चलेंगे। मेरा भी थोड़ा थोड़ा डर दूर होता जा रहा है डॉग्स का। लेने जाकर अब लेना ही पड़ेगा, वहाँ जाकर तो एमी को एक डॉग ले देगी। इसकी मम्मी को कह रही है कि अब यहाँ इस रोड पे ना सारे बड़े बड़े स्टेट हाउसेज हैं, जिनके ह्यूज फ्रंट लॉन है, ह्यूज बैकयार्ड है। इनफैक्ट बैकयार्ड क्या है, वो ट्रेल से मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पीछे ना सारी ट्रेल है, तो बड़े सुंदर लगते हैं। चलते चलते कुछ घर दिखाती हूँ आपको भी, ऐसे अंदर से नहीं बाहर बाहर से। तो ये वो पूरी किंग स्ट्रीट ही है, और किंग टाइप घर ही है यहाँ पे। तो आज हम ना वॉक करने के लिए एक दूसरे रास्ते से आए हैं, आपको वो पिछला रास्ता दिखाया ही था, अब हमने कहा इस तरफ का भी आपको दिखाते हैं व्यूज़। ये देखो अंदर कार तक ले जाने के लिए भी प्राइवेट पूरा ऐसे रोड जा रही है इतनी अंदर तक। ये बाबूजी का घर है। हाँ वो जो इंडिया में वो पुराने वो बंगलो ऐसे ही होते, बाबूजी का बंगलो, वो डाक बंगला टाइप ऐसी वाली फीलिंग देते हैं ये घर सारे यहाँ पे, वो शोले मूवी वाले। ये तो पूरा वो गवर्नमेंट क्वार्टर ही लग रहा है। देखो वो नहीं, गवर्नमेंट क्वार्टर तो आगे आएगा, तो मैं दिखाऊंगा मैं शिल्पा। वो गवर्नमेंट क्वार्टर भी ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना बड़े से DIG साहब है, जिनको वो गवर्नमेंट से घर मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। नहीं अभी यहाँ पर एक छोटे छोटे ना वो बने हुए हैं कॉन्डोज, जैसे यहाँ पे क्या होता है लोगों की ना प्राइवेट बिल्डिंग्स होती है, मल्टी यूनिट बिल्डिंग्स, तो प्राइवेट ही है वो, और उसमें लोगों ने अपनी बिल्डिंग से बड़े सारे यूनिट्स बनाकर, बड़े सारे छोटे 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 कॉन्डोज बनाकर रेंट पे दे रखे होते हैं। मेनली रेंटल पर्पज के लिए होती है, कि वो बिल्डिंग्स जो है वो ऑनर्स को बहुत सारा रेंट देती है, तो क्योंकि बड़ी सारी यूनिट्स होती है। तो ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर आएगी, उसके पीछे ना मतलब इतनी प्यारी सी इसे नदी से बह रही है, तो जो भी उस बिल्डिंग में रहते होंगे उनका सुबह का व्यू बड़ा मस्त होता होगा। अभी वो आगे दिखाते। तो आज फिर से आपका बोल्टन भ्रमण नहीं करा दिया हमने इस वीडियो में, क्योंकि आपको इस बार बोल्टन के व्यूज नहीं, व्यू जैसे घर दिखा रहे हैं। अरे ये क्या है, देखो फ्रूट वाला पेड़ है ये, देख रहा हूँ मैं इधर आओ, ये देखो यहाँ पे कितने फल लगे हुए, 5 लगे हुए। ये है किस चीज का गाइस पेड़, नींबू है, अमरूद है, एप्पल तो पक्का नहीं है, पेयर है, किस चीज का पेड़ है ये पत्ते देखकर बताओ, पत्तों से आइडिया लग जाता है, या फिर
ये पेड़ है, बता सकता कोई? कल आके तोड़ेंगे यहाँ पे। मतलब इनको कहते हैं डिटैच हाउस शिफ्ट। आजकल तो कनाडा में जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, यहाँ पे एक घर है, इतनी सी जगह छोड़कर यहाँ दूसरा घर बना दिया और नाम दे दिया डिटैच का। और न्यू कंस्ट्रक्शन में ना आजकल बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड भी इतने छोटे छोटे आ रहे हैं। फ्रंट यार्ड का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है कनाडा में धीरे धीरे करके। पहले के घर देखो, क्या ह्यूज बैक यार्ड और क्या ह्यूज फ्रंट यार्ड होते थे। और डिटैच हाउसेस इनको बोलते थे कि एक घर यहाँ पे है और दूसरा घर वो वहाँ पे है। बैकयार्ड फ्रंट यार्ड सब एक ही है, यही है जो है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने अपना पर्सनल खेत बना रखा है, वेजिटेबल्स उगा रखे हैं यहाँ पे उन्होंने। ये पैच देख रहे हो, लोग इतने बड़े बैकयार्ड नहीं होते जितना बड़ा इन्होंने अपने बैकयार्ड में वेजिटेबल पैच बना। इनका देखो, इनका बैकयार्ड नहीं है, इनका बैक जंगल है, पीछे पूरा जंगल है। जैसे चार घर और खड़े हो जाए। और अभी आगे जाके एक और चीज दिखाती हूँ आपको। हम कहीं किसी कंट्री साइड या कैंपिंग साइड नहीं आए हैं, अभी भी अपने घर से बस 5 मिनट की वॉक दूरी है। इस घर का तो अपना पर्सनल लाइट हाउस है। और गाइस ये मेरे पीछे है वो मल्टी यूनिट बिल्डिंग जिसकी बात करी थी। इट्स अ प्राइवेट बिल्डिंग, किसी एक ओनर की है और उसमें बड़ी सारी यूनिट्स बनी हुई है जो कि अलग अलग उन्होंने रेंट की हुई है। कोई 1 बेडरूम होगी, कोई 2 बेडरूम होगी। बट इसके साथ ही ना यहाँ पे तो ये सारा इनका बैकयार्ड पड़ता है और यहाँ पे एक मतलब हम्बर रिवर का छोटा सा रूट भी है। तो ये इस बिल्डिंग का बैकयार्ड है। डेफिनेटली ये वाली चीज तो मिस करने वाली है ही ना। तो अभी ना यहाँ पर 5 मिनट बैठने का मन है, तो बैठे बैठे क्या करें, आज के कमेंट का जवाब ही दे देते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। किसी ने पूछा है कि मैं इंडिया में आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ तो मेरा कनाडा में क्या स्कोप है। किसी ने पूछा है मैं इंडिया में CA हूँ तो इंडियन CAs के कनाडा में क्या स्कोप है, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेज, व्हाटएवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। देखो इन सबका ना एक ही जवाब है कि जो भी रेगुलेटेड प्रोफेशन है कनाडा में, आपको उसकी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। चाहे आपने अपनी कंट्री के बिगेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से, स्मार्टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज से भी डिग्री ली है, लेकिन अगर कनाडा का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कनाडा का जो लाइसेंस है वो आपके पास नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर चाहे आप MBBS डॉक्टर हो अपनी कंट्री से, या फिर आप
रजिस्टर्ड नर्स हो अपनी कंट्री से, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अपनी कंट्री से, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो इन कंस्ट्रक्शन अपनी कंट्री से, तो कुछ भी आपने किया हुआ है यहाँ पे, जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं आपको रेगुलेटेड प्रोफेशंस की लिस्ट ये मिल जाएगी वेबसाइट्स पे भी. और आप ये भी चेक कर सकते हो कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वो रेगुलेटेड प्रोफेशन है या नहीं है. जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज इज नॉट अ रेगुलेटेड प्रोफेशन इन कैनेडा, क्योंकि ये मतलब कुछ कंपनीज में ये एडवाइजेबल रहता है, डिजायर्ड रहता है, प्रेफर्ड रहता है कि आपने CHRP किया हो. और हमने CHRP के ऊपर, CHRL के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई भी हुई है HR की, आपको मेरी मेरे चैनल पे दिख जाएगी. बट वो कोई कंपल्शन ये कि उसके बिना आप HR की जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई लाइसेंस नहीं मिलता आपको, सर्टिफिकेशन मिलता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइसेंस एंड अ सर्टिफिकेशन. तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें कुछ तरह के सर्टिफिकेशंस डिजायर्ड होते हैं आपको जॉब करने के लिए. मेरे पास CHRP नहीं है, फिर भी मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब की वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्रूटमेंट में वो रिक्वायरमेंट नहीं थी. लेकिन एक डॉक्टर कैनेडा में, यहाँ पे डॉक्टर की एज अ डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर एक डेंटिस्ट, यहाँ का लाइसेंस लिए बिना वो लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं. तो आई होप आई सॉल्व योर क्वेरी. तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आप शेयर भी कर सकते हो चैनल को, मैं मना नहीं करूँगी. तो अब मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय.